वेटिंग फिल्म में नशीरुद्दीन शाह की एक डायलॉग था, खाना सोना और नहाना कभी रुकना नहीं चाहिए, वो रुक गए तो समझो जिंदगी रुक गई। बात तो सच है, जिस दिन ठीक से नींद नहीं होती उसके अगले दिन मूड से लेके हर चीज एकदम बिगड़ा हुआ महसूस होता है। वेलकम टू हेल्दी माइंड, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पी रॉय अग्रवाल, और आज का हमारा जो टॉपिक है, वॉन्ट टू गेट ए बेटर नाइट स्लीप, इम्प्रूव योर मेलाटोनिन लेवल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लीपलेसनेस एंड स्लीप डिप्रिवेशन को लेके। वीडियो को पूरा वॉच करते रहना, इस वीडियो में हम क्लियरली आपको मेंशन करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करके हम एक गहरी नींद ले सकते हैं। एक गुड नाइट स्लीप सिर्फ कंफर्ट और फ्रेश रहने के लिए नहीं है, बल्कि मेमोरी को मजबूत बनाने के लिए, हार्मोनल संतुलन के लिए, कॉग्निटिव सेंस और आपकी फोकस के लिए, और एक हेल्दी दिमाग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस एंड अपीयरेंस आपके सक्सेस का इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है, पर ये दोनों ही नहीं मिलेगा अगर आप 8 घंटे का साउंड स्लीप नहीं ले पाए तो। इवन आई मेक श्योर कि काम की प्रेशर चाहे मुझे जितना भी हो, 7 से 8 घंटे का नींद मुझे चाहिए ही चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि नींद ठीक ना हो तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारे इम्यूनो सिस्टम पे भी डायरेक्टली अटैक करते हैं, जिससे कई सारी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ बोलना चाहूंगी कि ओबेसिटी एंड वेट गेन का कारण भी स्लीप डिप्रिवेशन है। प्रॉपर नींद की कमी से डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ज्यादा खाने की इच्छा बढ़ जाती है, जिससे आपका वेट गेन भी होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ हॉलुसिनेशन, डायबिटीज, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन आपके सेक्स लाइफ को भी इफेक्ट डालते हैं, जो कि आपकी मूड और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसकी रेमेडी क्या है। बॉडी में मेलाटोनिन लेवल जितना हाई होगा, आपके नींद उतनी ही अच्छी होगी। ये आप बहुत अच्छे से हाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को डिम लाइट यूज कीजिए। रात में चमकदार लाइट हमारे शरीर के इंटरनल क्लॉक को खराब कर देती है, इसीलिए सोने से मिनिमम 1 घंटा पहले आपको घर के सारे लाइट्स डिम कर देना चाहिए। इससे आपका मेलाटोनिन लेवल बॉडी का हाई होना शुरू हो जाएगा। अपने स्क्रीनिंग टाइम को कम कर दीजिए। टीवी, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और LED से निकलने वाली ब्लू लाइट बहुत हानिकारक है नींद के लिए। अगर आप अपनी स्क्रीनिंग टाइम को कम नहीं कर सकते हैं तो फिर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस ले सकते हैं, या फिर रात को जब आप काम करेंगे आप अपने डिवाइस को नाइट मोड में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉफी पीना बिल्कुल कम कर दीजिए। कॉफी मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है, इसीलिए एटलीस्ट सोने के 6 घंटे पहले ही आपको कॉफी पीना बंद कर देना चाहिए। ट्रस्ट मी, इवन आई एम ऑल्सो अ कॉफी लवर, बट कॉफी के लिए मैं अपनी नींद को खराब करूँ? नो वे। सनलाइट का एक्सपोजर नींद के लिए बहुत अच्छा है। सनलाइट सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को मदद करती है और रात के टाइम वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए दिन में कुछ टाइम सन किस्ड होना सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं, अपने लिए भी बेनिफिशियल है। गर्म पानी में नहाने से भी मेलाटोनिन लेवल बढ़ती है, क्योंकि हॉट वाटर शावर्स शरीर को रिलैक्स करता है, साथ में स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाते हैं, जिससे मेलाटोनिन को बढ़ने में मदद मिलती है। पर्टिकुलरली आज के लाइफ में स्ट्रेस से दूर रहना बहुत ही मुश्किल काम है, पर स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। योगा, मेडिटेशन, एफिमेशन, हॉट वाटर शावर, ये इन सब चीज़ों से आप अपने आप को काम रख सकते हैं, अपने डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं, और साथ में आपको एक साउंड स्लीप भी मिल सकता है। फाइनली आता है आपके डाइट की बात। मेलाटोनिन से भरपूर फूड आइटम्स जैसे कि चेरीज, गोजी बेरीज, एग्स, मिल्क, फिश और नट्स एंड सीड्स हेल्प करते हैं मेलाटोनिन लेवल को बढ़ाने में। टार्ट चेरीज भी मेलाटोनिन लेवल को बढ़ाने में और नींद को इन्हेंस करने में बहुत हेल्पफुल है, जबकि गोजी बेरीज एंटी एजिंग के लिए अच्छी है। दूध इंसोमिया के लिए ट्रेडिशनल रेमेडी है और फिश सबसे अच्छा मेलाटोनिन का सोर्स है। तो बाकी सारे टिप्स के साथ साथ कोशिश कीजिए अपने डाइट को भी मेलाटोनिन फ्रेंडली रखने का। अगर ये सारे टिप्स कोई फॉलो कर पाए, नेचुरली उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप गेट मच बेटर फॉर श्योर। बट सबसे जरूरी बात ये है कि गहरी नींद के लिए अगर आपको मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेना पड़े तो वो भी लीजिए, लेकिन आपको रोज 7 से 8 घंटे का नींद जरूरी है प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और साथ में हेल्थ एंड फिटनेस के टिप्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी। Thank you.